लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्यमान भव। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु, जिस दिन मैंने अहिल्या को श्रापित किया उसी दिन से मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं, परंतु अब पिछली बातें भूल जाइए ऋषिवर। भाग्य का लेखा हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। देवी अहिल्या, आप भी पिछली बातें भूलकर अपना मन निर्मल कर लीजिए। सुग्रीव इस समय अकेले हैं, वीर हनुमान भी आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुग्रीव को पकड़कर बंदी बना ले जाने का इससे अच्छा अवसर हमें फिर नहीं मिलेगा। आप सत्य कह रहे हैं, मेरे बल के सामने सुग्रीव छटपटा कर रह जाएगा। चलो। सखा हनुमान अभी तक नहीं आए। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि बाली का उद्देश्य ठीक नहीं, वो तुम्हें बुलाकर मुझे असुरक्षित कर देना चाहता है। सुग्रीव, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं, तेरा रक्षक हनुमान भी यहां नहीं है, और अब हम वानर तुझे पकड़कर बाली के सामने ले जाएंगे। यदि अब भी कोई बाहुबल बचा हो तो बचा ले अपने आप को। हनुमान, हनुमान, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमें क्षमा करो हनुमान, हमें अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से मुक्त करो प्रभु। क्षमा करो हनुमान, क्षमा करो। हम समझ गए हनुमान, ये आप ही का चमत्कार है, ये अग्नि ज्वाला आप ही का चमत्कार है। हनुमान, हमें क्षमा कर दीजिए, हम धोखे से इसका शिकार हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान। तुम निर्दोष सुग्रीव को पकड़ कर ले जाने के लिए आए थे ना, इस अपराध के परिणाम से तुम बच नहीं सकते। बाली ने तुम्हें भेजा है, इसीलिए बाली भी कम अपराधी नहीं है, उसे तो अपने इस अपराध का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। परंतु मुझे तुम लोगों पर दया आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ज्वाला की छटपटाहट से मुक्त करता हूं। जय श्री राम। आओ सखा सुग्रीव, अपने सखा के गले लग जाओ। सखा सुग्रीव, यह रेखा तुम्हारे लिए नहीं खींची गई थी, यह रेखा तो तुम्हारे शत्रुओं के लिए खींची गई थी। तुम निसंकोच होकर अपने सखा हनुमान के गले लग सकते हो। आओ हनुमान। सुग्रीव, हनुमान, सुग्रीव।
सका हनुमान, तुमने जो कहा वो कर दिखाया। जय श्री राम। सुग्रीव, अब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाली ने मुझे हर प्रकार के प्रलोभन देने की चेष्टा की, परंतु मैं तुम्हारे पक्ष में एक चट्टान की तरह अड़िग खड़ा रहा। क्या बाली भैया किसी भी प्रकार मुझसे मिलाप के लिए तैयार नहीं? नहीं सुग्रीव, नहीं। गुरुजनों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने उसे लाख समझाया, भाई भाई के प्रेम की दुहाई दी, तुम्हारे निरपराध होने का विश्वास दिलाया उसे, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला उसके हृदय में कभी नहीं बुझने वाली। संभव है वो बाली के साथ ही समाप्त होगी। नहीं हनुमान, नहीं, ऐसा मत कहो। बाली मेरा प्रिय भाई है, उसने सदा मुझे प्रेम और सम्मान दिया है, सदा विपत्तियों से दूर रखा है। मैं उसका बुरा नहीं चाहता हूं हनुमान। मैं उसका बुरा कहां चाहता हूं? ये तो दुर्भाग्य ने उसकी बुद्धि को ग्रहण लगा दिया है, उसकी मति हर ली है। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि बाली को सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे बाली को प्रभु, सद्बुद्धि दे। जय श्री राम। 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 महाराजा जनक के जय। महाराजा जनक के जय। गुरु याज्ञवल्क्य के जय। गुरु याज्ञवल्क्य की जय। महाराजा जनक के जय। महामंत्री जी, विदेही सीता के स्वयंवर का सब प्रबंध हो गया है ना? हाँ महाराज, हमारे अतिथि राजागण धीरे धीरे मिथिला नगरी की ओर पधार रहे हैं। हमें ये सुनकर प्रसन्नता हुई। सब अतिथियों के निवास आदि का उचित प्रबंध हो गया है ना महामंत्री? अवश्य महाराज, हमने अतिथियों के आतिथ्य सत्कार का विशेष प्रबंध किया हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है आपने महर्षि परशुराम द्वारा प्रदत्त शिव धनुष गौरी मंदिर से स्वयंवर सभा में ले जाने का उचित प्रबंध कर लिया होगा। हाँ महाराज, हमारे सैनिक विशेष रथ द्वारा शिव धनुष को लिवाने गौरी मंदिर गए हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राजर्षि विश्वामित्र अयोध्या के दो राजकुमारों श्री राम तथा श्री लक्ष्मण के साथ मिथिला पधारे हैं। ये हमारा अहोभाग्य है कि इस शुभ अवसर पर राजर्षि विश्वामित्र यहाँ पधारे हैं। हमें उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए गुरुदेव। अवश्य राजन, समस्त मिथिला वासियों की ओर से उनका स्वागत सत्कार कीजिए। वीरवर, इस समय कहाँ है वे? वे गौरी मंदिर के पास वाली अतिथि शाला में ठहरे हैं, उनकी सुख सुविधा की सारी व्यवस्था की गई है। हम इसी समय वहां जाएंगे। गुरुदेव, मिथिलापुरी की सुंदरता तो देखने योग्य है, यदि आप हमारे साथ होते तो और भी आनंद आता। हम ऋषि मुनियों का नगर की सुंदरता से क्या प्रयोजन लक्ष्मण, हमारे लिए तो जनकपुरी का यह उद्यान अति सुंदर है। वत्सराम, और क्या क्या देखा तुमने इस जनकपुरी में? ऋषिवर, जनकपुरी की हर वस्तु मनोहारी है। क्या राजमहल, क्या राजमार्ग, क्या धर्मात्मा, स्त्री पुरुष, अगर उपमा ही देनी है तो इसकी उपमा स्वर्गलोक की अलकापुरी से दीजिए। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम मिथिला नरेश। मैं धन्य हुआ आपको मिथिला में पाकर। अयोध्या राजकुमारों को आपके साथ देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को यहां ले आने का अनुरोध किया था, इसीलिए मैं अयोध्या नरेश का आदेश सर आंखों पर। आप तीनों हमारे साथ महल चलिए, हमें अतिथि सत्कार का अवसर दीजिए। मुझ जैसे संसार त्यागी का स्थान महल में नहीं है राजन, मुझे तो इस उद्यान की सुंदरता ही भा गई है। आप इन बालकों को ले जाइए। ऋषिवर, आप जहां जाएंगे हम आपके साथ ही रहेंगे, हमें इस उद्यान की सुंदरता से वंचित मत कीजिए। गुरुदेव, आप हमारे कारण यहां पधारे हुए हैं और हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा,
आपके अतिथि सत्कार का यहां भी प्रबंध हो जाएगा।
बोले राम कार जय सनेही तनिक न चिंता करवे देही कोई भी रूप हम में धारा नाता अविभाज्य है हमारा अभिनव शाश्वत है जोड़ी हमारी अभिनव शाश्वत है जोड़ी हमारी त्रिभुवन में न ऐसी छवि मनोहारी धीरे धीरे पांव धरे सिया सुकुमारी गौरी वचन उचारा